कैसे दोस्तों, आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ पास और जो कॉलेज पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या जॉब्स हो सकती है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, सर मुझे जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुका हूँ बट जॉब नहीं मिली, तो कुछ ईजी जॉब्स बता दो। तो आज के इस वीडियो में ईजी जॉब्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, 10 ऐसी जॉब्स मैंने आपके लिए ढूंढ निकाली है जो आप में से कोई भी कर सकता है। ट्वेल्थ पास हो तो डायरेक्टली मिल जाएगी आपको। सैलरीज यहाँ पे 10 से 15,000-20,000 रुपये तक भी हो सकती है और ग्रोथ हो सकती है फ्यूचर में। मैंने कुछ ऐसी यहां पे जॉब्स भी आप लोगों के लिए दोस्तों निकाली है जहां पे आप लोगों को Amazon, Google, Urban Company, Flipkart जैसी बड़ी कंपनीज में भी काम करने का मौका मिल सकता है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बट उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। सो यहां पे दोस्तों मतलब जॉब्स मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इजी जॉब्स आफ्टर 12th। अगर आप फ्रेशर हो तो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कॉलेज में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो ओपन से अपना कॉलेज करते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो पहली जो जॉब है हमारे पास वो है कॉल सेंटर की, BPO जॉब्स। बहुत इजी टू फाइंड है और सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो कॉल सेंटर जॉब्स की पड़ती है। हर कंपनीज में कॉल सेंटर लगे हुए हैं, उनकी जो कंपनीज की प्रॉब्लम्स होती है जो सॉर्ट आउट करते हैं वो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ही करते हैं। आप भी पा सकते हैं, 12th पास है तो भी पा सकते हैं। कैसे फाइंड करना है जॉब्स को, इन सारी जॉब्स को मैं बताऊंगा आपको, बट उससे पहले सारी जॉब्स एक्सप्लेन कर देता हूं। दूसरे नंबर पे है ट्यूटर की जॉब्स, ट्यूशंस पढ़ा सकते हो। मैंने पर्सनली ये जो चीज है वो 12th के बाद करी थी, ट्यूशंस में पढ़ाया करता था। सो ट्यूशंस आपको आसानी से मिल सकती है, जो भी सब्जेक्ट आता है उसका ट्यूशंस के लिए मतलब बोर्ड वगैरह लगा दीजिए घर के बाहर, सोशल मीडिया में बताइए, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ अर्निंग तो जरूर शुरू हो जाएगी इससे। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब्स होती है वो होती है। डेटा एंट्री जो आप लोगों को ऑनलाइन जॉब्स मिलेगी ज्यादातर फ्रॉड होती है, बट यहां पे कई सारी ऐसी आपके आसपास देखना दुकानें होंगी, कई कई जो बिजनेसमैन होते हैं उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है जो उनके लिए डेटा फीड करे, जिसको सिर्फ टाइपिंग तेज हो उसकी, उसके लिए भी जॉब्स है। आप लोगों को बता दूंगा कैसे ढूंढना है। इसके अलावा मर्चेंट नेवी में भी मौके होते हैं 12th पास के लिए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कंप्लीट मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जाके चैनल पे चेक करिएगा, ये रहा इस तरीके का वीडियो है, लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों फोटोग्राफर का। अगर आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो आपकी इस फील्ड में भी जॉब लग सकती है। जो आपके शहर के रेप्यूटेड फोटोग्राफर्स हैं आप उनको अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। आगे है मार्केटिंग जॉब्स। मार्केटिंग मतलब प्रमोशंस करना कंपनीज के लिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी भर्तियां निकलती है प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इवेंट मैनेजर, 7वें नंबर पे। इवेंट्स होते रहते हैं, अभी तो कोविड की वजह से कम हो रहे हैं बट जब कोविड कभी ना कभी तो खत्म होगा, कभी ना कभी चीजें स्टेबलाइज होगी, तो इवेंट जैसे शादी पार्टी फंक्शंस उसमें मैनेजर्स, इवेंट मैनेजर्स होते हैं जो इवेंट को मैनेज करते हैं, उसमें आपकी जॉब लग सकती है। 12th पास वालों के लिए भी मौके हैं। राइट, बैकएंड की जॉब्स होती है, फ्रंट एंड जॉब्स होती है, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब्स होगी। राइट, इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट जॉब्स होती है सेल्स में, मार्केटिंग मैनेजर्स, रिलेशनशिप मैनेजर्स, तो वो बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब्स हो गई, ये भी आपको मिल सकती है 12th के बाद भी, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करें, क्योंकि इंडिया में अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है तो लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे कॉलेज ही हमारी जॉब लगवाएगा और कॉलेज हमारी जॉब लगाएगा तभी सही है। देखिए, ये गलत सोच है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे कि हॉवर्ड है, स्टैनफोर्ड है, वो आप लोगों की कोई जॉब नहीं लगवाते, आप खुद सर्च करके देखना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वो ये सिखाते हैं कि बॉस खुद कैसे जॉब अच्छी लेवल की ढूंढोगे, क्योंकि हमेशा तो कॉलेज आपकी लाइफ में नहीं आता रहेगा ना जॉब लगवाने। सो आपको जॉब कैसे ढूंढनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जॉब फाइंड के लिए आपके पास एक तो इंटरनेट है, आज की डेट में इंटरनेट की मदद से आप बहुत आसानी से जॉब फाइंड कर सकते हैं। लिंक्डइन है, लिंक्डइन को ज्वाइन किया नहीं किया, लिंक्डइन से रिलेटेड हमारा वीडियो देखा नहीं देखा, लिंक्डइन को ज्वाइन कर लो दोस्तों, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स भी मिलती है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ नेटवर्किंग का सहारा लीजिए। नेटवर्किंग का मतलब हो गया दोस्तों कि मान लो आपके घर में कोई बंदा गूगल में काम कर रहा है तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हो कि बॉस गूगल में काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसी कैसी जॉब्स निकलती है, तो आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज होगा क्योंकि आपका जो बंदा जानकार वाला होगा वो कर रहा है तो वो आपको बता सकता है कि इस तरीके की जॉब्स निकलती है, अगर किसी को अप्लाई करना है वो कर सकता है। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज जो है कुछ टेस्ट वगैरह भी निकालती रहती है जिसको दे के भी आपकी जॉब लग सकती है, तो नेटवर्किंग बनाइए अपनी, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को बहुत आती है कि वो यहाँ पे जॉब्स को अप्लाई तो कर देते हैं बट उनका नंबर नहीं आता क्योंकि अप्लाई करने वाले बहुत है। तो यहाँ पे सवाल आता होगा आप लोगों के मन में कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली कंपनीज आपको कॉल करे जॉब के लिए, ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों आजकल जो है ऐसा पॉसिबल हो गया है। तो रीलेवल एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है दोस्तों, एक तरीके की जॉब हंटिंग साइट ही है जहाँ पे आप जॉब पा सकते हो, बट थोड़ा सा इनका वर्किंग का तरीका अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। अनअकैडमी का ब्रांड है दोस्तों,
तो री लेवल क्या करता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को री लेवल पे ले जाके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, री लेवल पे मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ। तो री लेवल पे आप लोगों को जो है मतलब अपनी स्किल शो करने का मौका मिल रहा है, और आप अपनी स्किल के बेस पे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब पा सकते हो। 50 से भी ज़्यादा कंपनीज जो है री लेवल के साथ एसोसिएटेड है, जो कि अन अकेडमी का ब्रांड है, जिसमें अर्बन कंपनी है, जिसमें क्रेड है, जिसमें यू नो और भी बहुत सारी आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी कंपनीज की जो आप देख सकते हो। तो री लेवल अलग कैसे है, यहाँ पे जॉब हंटिंग साइट्स तो और भी बहुत सारी है, तो री लेवल कैसे अलग है? देखिए, री लेवल ने क्या किया है, कंपनीज के साथ आप कह लीजिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके साथ टाई अप कर लिया है, और री लेवल यहाँ पे एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है। मतलब री लेवल जो टेस्ट कराती है वो आपको देना है यहाँ पे। एक बार आप टेस्ट दे देते हो तो आपका एक स्कोर जनरेट होता है आपके परफॉर्मेंस के बेस पे, राइट। अब आपका जो परफॉर्मेंस है, मान लो उस टेस्ट में बहुत अच्छा रहा तो आपका एक अच्छा स्कोर आया, और उसके बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट होने के बाद आपका यू नो स्कोर आने के बाद आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है री लेवल पे। मतलब आपको अपनी स्किल्स वगैरह लिखनी है, अपनी डिटेल वगैरह डालनी है, और आपका काम हो गया। उसके बाद कंपनीज जो री लेवल के साथ एसोसिएटेड है वो आपको कॉल करेंगी, क्योंकि कंपनीज को इनके टेस्ट के बेसिस पे पता लग जाएगा इस कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद डायरेक्टली आप जो है कंपनी में जॉब पा सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। सो यहाँ पे आप लोगों को तीन तरीके की जॉब्स मिल जाएगी, बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। सो इसमें आप यू नो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे अगर आप लोगों को मान लो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आप बिजनेस डेवलपमेंट वाला टेस्ट दीजिए, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए अप्लाई करना है तो उसका टेस्ट दीजिए। तो आप टेस्ट के लिए अप्लाई करिए दोस्तों, अप्लाई करने के बाद टेस्ट दीजिए, घर पर ही टेस्ट हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 24 आवर्स के अंदर आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना प्रोफाइल बनाइए, जिसमें री लेवल वाले आपकी हेल्प करेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग में भी, और देन आपका काम हो गया। ऐसा नहीं कि बीटेक एमबीए है तो ही जॉब लगेगी, यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको इनकी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप लोग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट की फीस वैसे तो 1999 है, बट आप लोगों को डिस्काउंट कोड हमने दिया हुआ है 10% का, तो आप लोगों को टेस्ट की फीस यहाँ पे 1799 देनी है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे जॉब लग जाती है तो वो जो फीस आपने दी है वो भी रिफंड हो जाएगी, तो एक बहुत अच्छी चीज है, अप्लाई जरूर करिएगा। सो ये कुछ तरीके दोस्तों मैंने आप लोगों को बताए जहाँ पे 12th के बाद भी आप जॉब पा सकते हो। अब दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स और ऐप भी बताने वाला हूँ जो आपके लिए काम की हो सकती है। उससे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कैसे पैसे कमाता था 12th के बाद। देखिए, 12th कंप्लीट होने के बाद ही मैंने बहुत सारे काम कर करके देखे, जिसमें ट्यूशंस पढ़ाना, इंश्योरेंस एडवाइजर बनना, इसके अलावा यू नो फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें भी मैं पढ़ा करता था, जिससे मुझे नॉलेज हुआ करती थी उस फील्ड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, मैं बहुत सारी चीज़ें करता था। तो इससे क्या हुआ ना कि 12th के बाद ही जब मेरे दोस्त कुछ नहीं कर रहे थे, जब मैं कॉलेज में आया था, तो उस समय मैं कुछ ना कुछ कमा रहा था। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करें। देखिए, जब मैंने इंश्योरेंस एडवाइजर ज्वाइन किया तो मैं बहुत बुरा इंश्योरेंस एडवाइजर था, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिसीज नहीं बेच पाया, बट लोगों से बात कैसे की जाती है, कैसे शुरुआत की जाती है बात करने की, कैसे प्रोडक्ट शो किया जाता है, वो चीज़ें मुझे इंश्योरेंस एडवाइजर बन के पता लगी। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ मैं पढ़ा करता था, जिससे मुझे पता लगा कि भाई शेयर मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक क्या होता है। इसके अलावा यू नो अलग अलग केस स्टडीज़ पढ़ी, राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफे, आर के दमानी, बहुत सारी और भी केस स्टडीज़ पढ़ी, जिससे पता लगा कि लोगों ने कैसे पैसा बनाया। तो ये सारी चीज़ें आज काम आती है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कम से कम शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज ज़रूर ले लेना। इन्वेस्ट करना नहीं करना वो एक आपकी इच्छा है, बट नॉलेज लोगे तो वो लेटर लाइफ में काम ही आएगी। तो एक होमवर्क आप लोगों को देता हूँ, आपको अपना डीमैट अकाउंट जो है ओपन करवाना है। अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें 5 पैसा के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जिनको डीमैट अकाउंट के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है जब शेयर्स को बाय सेल करते हो, राइट। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे 5 पैसा के साथ म्यूचुअल फंड, गोल्ड, यूएस स्टॉक, इंश्योरेंस वगैरह में भी यू नो बाय वगैरह कर सकते हो, और भी काफी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि अभी फ्री ऑफर चल रहा है, जनरली चलता नहीं है, आपको पैसे देने पड़ते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, बट अभी बिल्कुल फ्री है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए अपना अकाउंट जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारा फाइनेंशियल कंटेंट भी बनाने वाला हूं चैनल पे, तो आप लोगों का एटलीस्ट अकाउंट तो बना होना चाहिए ना, आपके पैसे भी नहीं लग रहे, तो ये चीज है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों चीजें आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, वहां पे भी बहुत सारा कंटेंट आता है। तो मैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करता हूं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।